जय देव, मैं हूं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मात्र 15 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर के रूप में अपना प्यार मुझ पर उड़ेला है, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप इस प्रकार ही अपना सहयोग मुझे देते रहेंगे और मैं आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरूंगा। तो जैसा कि आपको ने बताया, इस सावन का समय है, सारी दुनिया बम भोले के नाम पे रमी हुई है, तो आज मैं भी आपको ले चलता हूँ कि ऐसी जगह जहाँ महादेव स्वयं विराजमान हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ। तो चलिए आज के सफ़र में, जहाँ हम मिलेंगे साक्षात महादेव से उस पाताल लोक में, तो आज का सफ़र मेरे साथ। कि आज का सफ़र हम पाताल भुवनेश्वर की ओर जा रहे हैं। पाताल भुवनेश्वर जो गंगोली हाट से 16 किलोमीटर दूर है, अभी वर्तमान में अभी हम लोग गंगोली हाट पहुँचे हैं और हम पाताल भुवनेश्वर की ओर जा रहे हैं, जहाँ शिवजी अपने साक्षात रूप में विराजते हैं और 33 करोड़ देवी देवताएं उनकी आराधना उनकी पूजा करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और सावन के इस पावन अवसर पर मैं आज आपको भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और इस पूरे सफ़र को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना ना भूलें। तो बने रहिए इस सफ़र में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। तो इस जगह से पाताल भुवनेश्वर का जो पैदल रास्ता है वो यहाँ से शुरू होता है, तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं पाताल भुवनेश्वर का ये सफ़र। कहते हैं कि त्रेता युग में राजा ऋतुपर्णी ने इस गुफा की सबसे पहले खोज की थी। उसके पीछे कहानी ये है कि वो एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए जब यहाँ आए, और हिरण जब गुफा में प्रवेश कर गया तो राजा ऋतुपर्णी को वहाँ पे उस गुफा के दर्शन हुए। उसके बाद द्वापर युग में यहाँ पे पांडवों ने चौपड़ भी खेला था, और उसके बाद ये फिर गुफा प्रचलन में नहीं रही, और बाद में 1822 के आसपास जगतगुरु शंकराचार्य यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे एक तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। आज आपको एक रहस्य और रोमांच की यात्रा पर लेके जा रहा हूँ। तो आज मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है हमारा, मौसम बहुत साफ़ है, और दूसरा ये जो सारा क्षेत्र है ASI ने इसको संरक्षित किया है, और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं पाताल भुवनेश्वर के दर्शन के लिए। तो ये अपने आप में बड़े आश्चर्यजनक चीज़ है कि इतनी सुंदर जगह पर पहाड़ों के बीच, इस बांज के जंगल के बीच, ये चूना पत्थर से निर्मित जो गुफा है जो ज़मीन से 90 मीटर नीचे है और 160 वर्ग मीटर पर फैली है। तो इस पाताल भुवनेश्वर में मैं आपका पुनः स्वागत कर रहा हूं, और आप मेरे साथ देख रहे हैं पाताल भुवनेश्वर की यात्रा। इसके बाद हम जो यहां के मुख्य पुजारी हैं उनसे जानेंगे कि यहां पे क्या क्या है और कैसे कैसे इस ये गुफा प्रकाश में आई और आजकल इसका क्या वर्तमान महत्व है। चलिए चुके हैं अभी पाताल भुवनेश्वर के मुख्य जगह पे, और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं मुख्य श्री नीलम सिंह भंडारी जी, तो आज उन्हीं से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। अवश्य सर, आपको पाताल लोक की पूरी यात्रा कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद। और
खासकर बरसात के दिनों में पानी घिसने में काफ़ी फिसलनियाँ होती हैं। ज़मीन से 90 मीटर ऊंचे गहरी ये पताल भुवनेश्वर की गुफा और बाकी आगे का सफ़र भंडारी जी के साथ वो बताएंगे क्या है इस गुफा का महत्व और क्या इसकी प्रसिद्धि है। चूंकि हम इसके गर्भगृह में पहुंच चुके हैं तो आगे की यात्रा भंडारी जी के साथ शुरू करते हैं। चलिए सर, अब आप देखिए सर, आप लोगों का पाताल में स्वागत है। इस पाताल में जो है सर्वप्रथम शेषनाग जी का फन है, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने ऊपर समाया है। ऊपर का पटल आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी का है। अच्छा, इसको अपने ऊपर इन्होंने समाया है और अपना मुंह खोला है शेषनाग जी ने। इनके मुंह से हमारा प्रवेश होगा। ये आप देखिए, ये शेषनाग जी के दांत है। अलग अलग टाइप के पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने पूरे अपने दांत दिखाए हैं सर जी। और इनके बीच में आप देखिए साहब, ये शेषनाग की विष थैली है। अरे वाह, जिसमें जहर होता है, ये हर नाग के तलवे में रहता है और इस नाग के तलवे में भी है। तो हम लोगों ने जो है शेषनाग जी के मुंह में प्रवेश किया है, अब हम उनकी गर्भ में जाएंगे। ऊपर आपको सिर में चल रहे, यूं आप घूमेंगे सर, यूं घूमना है। ये आप जो देख रहे हैं ये यज्ञ कुंड है। अच्छा, ये कौन सा यज्ञ कुंड है? राजा परीक्षित के लड़के जो जन्मेजय हुए, उन्होंने इस कुंड में सर्वेश यज्ञ किया। अच्छा, क्योंकि परीक्षित को ये श्राप था कि तुम्हें कोई ना कोई नाग दंत मारेगा, उसके बाद तुम्हारी मौत होगी। रक्षक वाला नाग। हाँ जी। अच्छा, तो क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम दुनिया के सारे नागों को मार देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पाताल के नाग इसमें जलाए, पाताल लोक में। अच्छा, और पृथ्वी के पृथ्वी में जलाए गए। अच्छा, लेकिन एक नाग जो है इस यज्ञ से भाग गए थे, जिनका नाम क्या था, तक्षक। अच्छा, ये आप देखिए सर, ये तक्षक है जो आज के दिन में भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये आप देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये तक्षक है, यहां से गए। ये इनकी जीवा है जो सांप रेगने में निकालता है, ये वो तक्षक है। और इन्हीं के बगल में आप देखे, ये वासुकी है। ये वासुकी वो हुई है जिनसे सागर मंथन हुआ था। अच्छा, बहुत ऐसा इसका पुराणों में जिक्र है सर। अब हम आगे चलेंगे। प्रवेश लिया है। हाँ। और जिनके ऊपर हम चल रहे हैं, ये क्या है, शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, बिल्कुल उसी की तरह, क्योंकि पूरी पताल को शेषनाग ने अपने ऊपर समाया है, ये पूरी रीढ़ है सर। ये जबकि आप देखिए, ये पत्थर, ये मिट्टी की सब बनी है जी, लेकिन नेचुरल होने की वजह से पूरे जिंदा है अभी तक। ये अभी तक वैसी है जी। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सर, ये प्रतिमा आपको नजर आ रही है, ये आदि गणेश है। आदि का मतलब हुआ सिर कटे हुए। अच्छा, यानी भगवान शिव ने इनका सिर काट दिया था। अच्छा, ये जो है धड़ की पूरी प्रतिमा है सर। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं जी। और अगर हम गौर से इनको देखें, याद देखिए, जब भगवान शंकर जी ने सिर काट दिया था गणेश जी का जी। ये धड़ की पूरी वह फिगर है। ओके, इसमें आप देखेंगे इनकी भोजन नली है। अच्छा, जो कटने के बाद दिखती है, श्वास नली है, और ये गले के नस है इनके। इनके ऊपर से आप देखिए सर, शास्त्र दल कमल का फूल है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इस जगह का पौराणिक महात्म्य है सर, गणेश जी का सिर यही जुड़ा भी था। अच्छा, और यही कटा था, स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है। पहली प्लास्टिक सर्जरी का अधूरा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या है सर, उस समय तो कोई दवाई नहीं होती थी जी, इस रंग की जी। तो इसमें क्या हुआ, इस शास्त्र दल कमल के फूल से जो है अमृत का छिड़काव किया गया इनकी कटी हुई धड़ पर। मोक्ष में प्रवेश किया है सर, यहां से चारों दिशाओं को गुफाएं गुफाएं आपको नजर आएंगी।
अनंत पाताल इसका नाम दिया है। पाताल के दर्शन करने से इसका मानस कंद स्कंद पुराण में उल्लेख है कि पाताल भुवनेश्वर के जो व्यक्ति दर्शन करते हैं उनको चार धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। इसमें आप देखिए ये केदारनाथ जी का शिवलिंग है और इनके बगल में आप देखिए सर ये है पंचभद्री। इसमें आप देखिए एक विष्णु है, एक कुबेर है, ये लक्ष्मी है और ये गरुड़ है और ये यम है। ये है पंचभद्री और इनके ऊपर में आप देखिए सर अमरनाथ है और अमरनाथ जी की गुहा भी है सर। ये जो आप देख रहे हैं एक ऐसी गुफा है जैसी अमरनाथ जी में है, वही शेप यहाँ भी है भुवनेश्वर में। और इसके ऊपर से आप देखें ये अमरनाथ जी की जटाएं हैं सर। तो इसका पुराना जिक्र है सर इसी पाताल से जगन्नाथपुरी का भी मार्ग है क्योंकि वो भी हमारे धामों में आता है, ऐसा जिक्र है। लेकिन कलयुग का आम व्यक्ति उन गुफाओं में नहीं जा सकता है, ऐसा जिक्र है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं सर काल भैरव की जीव है। आप देखिए भैरव ने अपना मुंह खोला है और जीव लटकाई है, ये उनकी जीव है। इनके मुंह से सर ब्रह्मलोक का मार्ग है। इसमें जो अंदर आप देख रहे हैं गुफा है इसमें। इसका पुराना ऐसा जिक्र है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में अगर काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके इनकी पूंछ तक आदमी निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, उसको मोक्ष हो जाएगा। लेकिन इसमें आदमी जा नहीं सकता है क्योंकि अगला रास्ता बहुत इसका तंग है, अत्यंत तंग है। और इसके बगल में आप देखिए भगवान शिव की झोली है, ये जो सामने आप देख रहे हैं। और ये जो है शिव का आसन है जिसमें वो बैठते हैं, ये शिव आसन है। अंदर से आप देखिए इसमें ये शेर की खाल है सर, ये जो आपको नजर आ रही है। अब इन्हीं के सामने हम देखेंगे सर ये पाताल की देवी है, इनका नाम है माँ भुवनेश्वरी। आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है, आंखें हैं और गले में आप देखिए मुंडू की माला है क्योंकि देवी मुंडू की माला धारण करती है। साइड से आप देखिए धनुष है कंधे में और ऊपर से आप देखिए शेर का मुंह है और नीचे में जो आप देख रहे हैं ये कलशा है। अब हम देखेंगे सर इस पाताल को अलग अलग युगों के हिसाब से देख रहे हैं। यहां पर है पाताल के चार दरवाजे। इसमें आप देखिए ये प्रथम द्वार है, इसका नाम है पाप का द्वार। अच्छा। इसका पुराण ऐसा उल्लेख है कि सबसे ज्यादा पाप रावण के शासन काल में हुए थे, यानी रावण की मृत्यु के तत्पश्चात ये दरवाजा बंद हुआ। अच्छा। ये आप जो देख रहे हैं इस पत्थर से इसको बंद किया गया है। अच्छा। नहीं तो इसके अंदर भी गुफा है। अच्छा। और इसके बगल में आप देखिए सर ये धर्म का द्वार है जहां से हम अंदर आए। अच्छा। इसका ऐसा पुराण में जिक्र है सर किसी भी व्यक्ति का धर्म से प्रवेश होगा। अच्छा। ये धर्म का द्वार है जिधर से हम आए सर। इसके पीछे आप देखिए ये रण का द्वार है सर। अच्छा। ये रण का द्वार जो है जब महाभारत की लड़ाई हुई उसके तत्पश्चात ये दरवाजा बंद हुआ सर। अच्छा। और इससे आगे आप देखिए सर ये मोक्ष का दरवाजा है। अच्छा। अब जहां से हम पाताल में प्रवेश करेंगे सर मोक्ष के दरवाजे पर बढ़ रहे हैं। जी जी ऊपर से बताइए। जी अब आप देखिए सर चारों दिशाओं को आपने गुफाएं नजर आ दी। यहां से अब हम आपको दिखाएंगे ये ऊपर आप देख रहे हैं सर कल्प वृक्ष है। सामने जो आपको दिख रहा है ये आप देखिए ये पूरी एक कल्प वृक्ष आपको दिख रहा है। ऊपर से आप देखिए सर इसमें पत्तियां हैं और इसी के बगल में आप देखिए सर ये मार्ग दिख रहा है। अच्छा। अंदर में आप देख रहे हैं ये आपको विराम पाताल नजर आ रहा है अंदर। हाँ। ये कौन सी जगह है कदली वन। इस कदली वन का जो महात्म्य है सर वो स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण ऐसा उल्लेख है कि इस कदली वन में जो है भीम को भेजा गया था ब्रह्म कमल के लिए और रास्ते में जो है उनको हनुमान जी मिलते हैं
और जहां उनकी वो पूंछ उठाने लगते हैं। तो ऐसा जिक्र इसी गुफा के अंदर आता है सर, ये कदलीवन की गुफा है। तो इसका पुराणों में जिक्र है कि इस कदलीवन में ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक इस स्थान को सिद्ध किया है। इसमें आप देखिए छोटी छोटी कंदराएं उनकी दिख रही है, जिनमें बैठ करके ऋषियों ने हजारों वर्षों तक पाताल मुनेश्वर की गुफा को सिद्ध किया। उनमें आपके ऋषि भृगु है, ऋषि वशिष्ठ है, कपिल ऋषि है, जो हमारे सारे पुराने ऋषि हुए, सब ऋषियों ने बैठ के यहाँ तपस्या की। तो आज के दिन में भी उल्लेख है सर, यहाँ पर एक ऋषि है जिनका नाम है मार्कंडेय। ये आप देखिए, ये कंदरा आपको नजर आ रही है, अंदर आप देखिए मार्कंडेश्वर ऋषि बैठे हैं। ये पूरा शरीर दिख रहा है उनका और पूरा शरीर दिख रहा है, जो आज के दिन भी तपस्या पर रहते हैं। ये मार्कंडेय मुनि है सर। अभी हम पाताल को देख रहे हैं सर, ये ऋषि का पहला तल है। इसके नीचे जो है 6 तल और है। अगर हम इसको जमीन में मारे तो ये पूरी आवाज करेगा। उसका पुराणों में जिक्र है, तलातल पाताल ऐसे जो अलग अलग वर्णन दिए गए हैं वो इसके नीचे हैं सर। इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है कि इसके जो 7वें तल में है राजा बलि है, जिनको विष्णु भगवान ने अपने दाहिने पैर से 7वें तल में डाल दिया था। पाताल का राजा जी जी। तो ये जो गुफाएं अभी आप कहीं आगे कहीं होंगे, आप तो इनमें गए हैं सर। हम साइंटिस्टों की टीम भी यहाँ पर आई थी। अच्छा। उनके साथ भी गए हम अंदर इनमें। तो ये काफी दूर तक खुली है अंदर। अच्छा। फिर कुछ आगे जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए भी जगह बंद रहती है। जी जी जी। अब सर इस साइड को आप आएंगे, यहां से ऊपर आप देखेंगे सर, ये दूध की धारा है, ये आपको सफेद लकीर जैसी नजर आ रही है जी। इसके ऊपर में आप देखिए सर, कामधेनु गाय का स्तन है, दिख रहा है, शिंगल आपको लटका हुआ दिख रहा है, ये कामधेनु गाय का थन है सर। यहाँ से दूध की धारा बनती है सर, यहाँ से पानी का रूप ड्रिप करती है, यहाँ से ये टपकती है, नीचे क्या है, ब्रह्मा जी का सिर है। ये जो आप देख रहे हैं, तो इस स्थान पर बताया गया सर, हम लोग अपना पितरों का वो भी दे सकते हैं पिंडदान, जैसे आपके गया और बद्रीनाथ में पिंडदान होते हैं, वैसे ही इस स्थान पर भी हो सकते हैं सर। सारा धाम तो यही है जी। इसमें सर धीरे चलना क्योंकि आशीर्वाद बड़ी है। हम देखेंगे सर, इसमें गंगा जल के 7 कुंड है। इसका पुराण में उल्लेख है, पहला कुंड यह है, इसमें भी जल है, और दूसरा कुंड इससे ऊपर है, उसमें भी जल है, फिर तीसरा कुंड है, फिर चौथा है, फिर इससे ऊपर 5वां है, फिर 6ठा है, फिर 7वां है। इसका पुराण में ऐसा जिक्र है सर, ये जो 7 कुंड थे अमृत कुंड थे, और इनमें से देवता अमृत ग्रहण करते थे। तो हंस को पहरेदार रखा गया सर। ये आप देखिए, ये हंस है, ये जमीन में बैठे हैं, ये जो आप देख रहे हैं चौंच है इनकी, ये हंस है। इनका पौराणिक उल्लेख आता सर, इस हंस को पहरेदार रखा गया इन कुंडों का, ताकि कोई इनको जूठा न करे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इसी हंस ने अमृत को जूठा कर दिया। इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया सर, आपकी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इससे टेढ़ी गर्दन रहेगी। अच्छा, इसे वापस हो गया। हाँ जी हाँ, ऐसा इसका पौराणिक महात्म्य है सर। तो इसको कलयुग में क्या किया जाता है सर, 3 टाइम इसको पवित्रीकरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप डालेंगे सर। अब यहां से सामने आप देखिएगा, ये भगवान शंकर जी की जटाएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जटाएं हैं भगवान की, और भागीरथी गंगा इनमें बह रही है, इसलिए कलर क्या है, सफेद है। अब हम इनके और करीब जाएंगे सर, और क्लियरिटी आएगी, ये तीनों रूप में हमको नजर आएंगे। ये आप देखिए सर, ये विराट रूप है, भगवान शंकर जी की जटाएं हैं। ये उस समय का दृश्य है सर, जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे, राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, तब भगवान ने क्या किया, अपनी जटाओं पूरी गंगा को समेट के पाताल में डाल दिया, क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा वेग हो गया पृथ्वी में।
तो ये तीन रूप में नजर आती है सर। इस साइड वाली सफेद है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये बीच वाली आप देखिए पूरी काली है, और बगल वाली आप देखिए भूरी है सर। तीनों अलग अलग। हाँ जी। और इन जटाओं के नीचे देखिए साहब, आप 33 कोटि प्रकार के देवी देवता स्नान कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सूक्ष्म लिंगों के रूप में आपको नजर आ रहे हैं, ये 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भगवान शिव की आराधना में है। बताया गया कि यहाँ पर गंधर्व भी भगवान का पूजन करते हैं। इनके बीच में आप देखे यहाँ राजा भगीरथ है। अरे वाह, बिल्कुल पूरा मुंह है सर उनका, आंखें हैं, और ये बाल हैं, ये हाथ हैं, ये पैर हैं सर, ये तपस्या में है भगवान की। और इनके बीच में आप देखिए साहब, ये कुंड है। इस कुंड को किसने निर्मित किया? द्वापर युग में इस पाताल में पांडव आए थे। अच्छा। पांडव ने शंकर जी के साथ अंतिम चौपड़ खेला है। अच्छा। तो उस समय क्या हुआ, वो विश्वकर्मा जी को यहाँ लेके आए थे, तब इस कुंड की स्थापना की गई सर, ये जो आप देख रहे हैं। और याद में उनका हाथ भी रखा गया है। अच्छा। विश्वकर्मा जी का हाथ है सर सामने जो आप देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बगल में आप देखिए साहब, ये नंदी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको सामने नजर आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं। और इनके बीच में आप देखिए, इन लिंगों के बीच में एक शिवलिंग है भगवान शिव के। 108 शिवलिंग सेवित हैं इस अस्पताल में, लेकिन हम सबके दर्शन तो कर नहीं सकते हैं। इसमें आप देखे एक शिवलिंग हम देखेंगे, इनका आधा अंग गीला है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं जी जी, इतना अंग इनका गीला रहता है सर। हाँ। लेकिन इतना अंग कैसा है, सूखा है बिल्कुल, यदि हम जल डालेंगे पी जाएगा। ये देखिए। हाँ। ये आप देख रहे हैं सर, इसमें कितना भी पानी इतने अंग में जाएगा। हाँ। उसको ये सोख लेंगे, सोख लेता है। इनका नाम है भगवान नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह सर, ये जटाओं में हजारों वर्षों से पानी बह रहा है, लेकिन इसमें काई नहीं है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। अब आप देखिए जटाओं के साथ में ये आकाश गंगा है सर, ये आप देखिए तारे आसमान के। हाँ, बिल्कुल। और इनके बीच में आप देखिए साहब, ये सप्तऋषि मंडल है, अगल बगल के और ग्रह भी है। ब्रह्मांड यहाँ। हाँ जी हाँ। अब पाताल भुवनेश्वर का पूरा ब्रह्मांड से मतलब है जी, ऐसा इसका जिक्र आता है। अब आप देखिए साहब, जिनके दर्शन के लिए आप लोग आए हैं, ये पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है। ये शिवलिंग जो है इस गुफा के सातवें तल से स्वयंभू है। अच्छा। हाँ जी। इसमें जो ये तांबे की प्लेट है, ये किसने चलाई? आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। अच्छा। 8वीं शताब्दी में चलाई थी सर। यहाँ की शक्तिपीठ हुई, गंगोली हाट महाकाली की हुई, जागेश्वर की हुई, एक टाइम में ये ढके गए थे सर। इनके बीच में आप देखिए साहब, ये त्रिमूर्ति में है। इसमें आप देखिए ब्रह्मा जी खड़े हैं, और विष्णु जी सैया में लेटे हैं, ये शंकर जी हैं जी जी। ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश महेश। और इन तीनों लिंगों में सबसे बड़ी बात है सर, ऊपर आप देखिए भगवान शिव का जटा है, जिसमें तीन गंगाएं हैं। पहले वाले ब्रह्मा जी हैं सर, उनसे ब्रह्मा जी में पानी गिरता है, और बीच वाले विष्णु जी हैं जी, उनसे विष्णु जी में पानी गिरता है, और बगल वाले शंकर जी हैं, उनसे शंकर जी में पानी गिरता है। अच्छा। ये जो पानी गिरने का क्रम ऐसे नहीं, कभी टूटेगा नहीं, बूंद बूंद करके तीनों को नहलाएंगे। अच्छा। और यहाँ आप देखें, ये मूर्ति रूप में है, ये ब्रह्मा जी हैं, और ये विष्णु जी हैं, और ये शंकर जी हैं, तीनों स्वयं प्रकट हैं। तो जो ये मैन स्थान है सर पूजन का, जो भगवान का पूजन किया जाता है पाताल लोक में, इसी स्थान पर होता है, ऐसा इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है। अब जल लेकर गया ये नीचे वाला मार्ग दिख रहा है, ये काशी वाला है। अच्छा, काशी आता है। हाँ, यहाँ से
काशी वाराणसी तक इसका लिंक है। अच्छा। और ऊपर वाला ये पांडवों का सर। अच्छा। पांडवों ने यहाँ शंकर जी के साथ अंतिम चौपड़ खेला। अच्छा। यहाँ से 20-22 सीढ़ी ऊपर है। हाँ। वहां पर 5 लिंग है पांडवों के। अच्छा। उसके बाद फिर बद्रीनाथ का मार्ग है सर। अच्छा। आगे जाने के लिए, लेकिन ये टनल हमने आजकल बंद किया है सर। हाँ। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा अच्छा, जहाँ चौपड़ खेला कहते हैं। हाँ, लास्ट टनल है। अच्छा, वहाँ जा सकते नहीं आजकल? अभी तो सर ये क्लोज है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, और इसके उससे ओम नमः शिवाय। अब हमने पाताल के पूरे दर्शन कर लिए हैं। इसमें पूरी पृथ्वी है ये जो आप देख रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग है। सबसे बड़ा कली का लिंग है खड़ा जो आप देख रहे हैं। उसके पीछे में सतयुग है, वो कलयुग के साथ जुड़े हैं। ऊपर में त्रेता युग है और नीचे आप देखें ये द्वापर युग है। ये 4 युग है सर। कलयुग बड़ा है, सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं। इसका पौराणिक उल्लेख है कि ये कलयुग बढ़ रहा है ऊपर को। अच्छा। और जिस दिन कलयुग बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छूलेगा, ऊपर से ब्रह्मांड है, तो उस दिन बताया गया कि सृष्टि का अंत हो जाएगा। मतलब सृष्टि के अंत का राज यही छिपा है। अच्छा। इसीलिए पृथ्वी का प्रमाण आता है सर, क्योंकि इसके अंदर पूरा मैप तैयार किया गया और उसको पृथ्वी के रूप में उतार दिया बाहर, जिसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण इस जगह पर मौजूद है। आदि और अंत दोनों एक ही जगह पर। जी हाँ। और ये भी बताया गया कि जब ये बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का जैसे पाप बढ़ रहा है बढ़ता है। हाँ जी हाँ जी, ऐसा जी। अब इधर से आप आएंगे सर जी, फिर आपको चलना ऊपर शिखर। अब आप देखेंगे सर ये कमंडल है भगवान शिव का। अच्छा। जो आप देख रहे हैं जी, इसकी बनावट है पूरी कमंडल नुमा। इसके बीच में एक सुराग ऐसा जो आर पार बताया गया है, ये जो आप देख रहे हैं। हाँ। इसका पौराणिक महात्म्य है कि पहले जो राजा लोग आते थे यहाँ, वो अपने भाग्य का फैसला करते थे सर। अच्छा। होता क्या था, धातु की तीर बनाए जाते हैं। हाँ। उस तीर से सर यहाँ से मारा जाता था ऐसे। अच्छा। अगर वो तीर सीधे यहाँ से जाके, हाँ, इधर आप देखिए एराव हाथी का मस्तक है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं। हाँ। अगर वो तीर वहां से सीधे यहाँ लग गई, हाँ, तो उनकी मन्नत यहीं पूर्ण हो जाती थी। अच्छा। ऐसा इसका पौराणिक महात्म्य है सर। हाँ। इस कमंडल का जी एरावत हाथी है। हाँ जी, ऊपर सिर उतर। हाँ। अब हम यहाँ देखेंगे साहब, ऊपर आपको सिर उतर। हाँ। ऐसे आप आएंगे। हाँ। यूं घूमना ऐसे। उधर से आप इधर देखेंगे। हाँ। अब आप देखें इधर है एरावत हाथी। ये आप देखिए हाथी का मस्तक है। हाँ। ये जो आपको दिख रहा है। हाँ। और ये उसके कान है, देखो एक इस साइड में है। हाँ। एक इससे पीछे साइड में है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। और ये हाथी की सूंड है। हाँ। ये जो आप देख रहे हैं जी, जी। ये उसके दिखाने वाले दांत हैं। हाँ। और अंदर में आप देखिए ये उसके खाने वाले दांत है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं और इसकी बाहर की स्किन वो भी आप हाथ से स्पर्श कीजिए पूरा, बिल्कुल वही खुरदुरा हाथी नुमा लगेगा। हाथी का बिल्कुल फील है जी।
हाथी ये एक ही था सर, पुराण में ऐसा उल्लेख है। इस हाथी के 1000 पैर थे। यहाँ से आप बैठ के देखिए साहब अंदर, ये पैर है सर हाथी के। ये पूरे 1000 पैर है। अभी इधर से आगे भी गुफा है। अच्छा, वो जो आपको अंदर नजर आ रही है वहां भी पैर ही है सर ऐसे लटके। अच्छा, ये गुफा भी कहीं निकलती होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और ये पीछे में भी जो आप देख रहे हैं सर, हाँ, ये पैर ही है। अच्छा सर जी, अब आप लोगों की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अगली यात्रा शुभ मंगल में। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी, आपने इतने अद्भुत दर्शन कराए जी, जी, जी। और पूरे सृष्टि का हमें दर्शन करा दिए। बिल्कुल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आभार जी, धन्यवाद। तो आज का सफर आपने देखा, भंडारी जी ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से इस पाताल मनुष्य के दर्शन कराए, जिसमें उन्होंने आदि से लेकर अंत तक के सब चीज़ का वर्णन किया, चारे धामों का उन्होंने वर्णन कराया और ये बताया कि यहाँ पे जो कली का लिंग है, जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे और जब वो ब्रह्मांड को छुएगा तो उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो आज के दर्शन करें भंडारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन दर्शन कराए। आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है। भंडारी जी का पुनः धन्यवाद करते हुए अब इस गुफा से बाहर निकलते हैं। जी जी, धीरे धीरे चलना है। हाँ, सिंदूर में चेन है, ऊपर सिर का भी ध्यान। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, सबकी यात्रा मंगल हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये था पाताल का सफर, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना अभिभूत हूँ मैं इस सावन के महीने में भोले के दर्शन करके। तो दगड़ियों, आप बने रहे यूं ही मेरे साथ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे ये तर्क का विषय है, ये विज्ञान का विषय है, लेकिन आस्था तर्क से परे होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बस सब भोले की माया है। और आपका ये दगड़िया हिमालयन स्नाइपर अब आपको अगली बार ले चलेगा एक नए सफ़र की ओर। तब तक के लिए दगड़ियों, भले रहिए, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।